हुआ करता था और बाद में उन्होंने कल्पना की थी वर्ग रहित और राज्य विहीन, वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज। Here's another tricky one. A. Narrow road. B. Intersection. C. Compulsory straight ahead. D. Narrow bridge. Correct answer is option D. Narrow bridge. B. Wait, you can't guess this one. A. No stopping. B. Stop. C. O parking. D. No entry. Correct answer is option A. No stopping. Three. Can you figure this one out? A. Speed limit. B. Width limit. C. Load limit. D. Length limit. Correct answer is option B. Width limit. Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel, My Paathshala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए traffic, signal and symbol से MCQ लेकर आई हूँ. तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं. और 1917 तक इनकी जीवन यात्रा है वो चली. व्हाट डज द अबव रोड साइन इंडिकेट्स? ए स्टॉप, बी गिव वे, सी पार्किंग, डी नो एंट्री. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी गिव वे. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. साथ ही कमेंट में आप हमें बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहेंगे. This one might confuse you about A. Speed breaker, B. Dangerous dip, C. Ferry, D. Hump road. Correct answer is option B. Dangerous dip. 6. Last but not the least, the trickiest one. A. Right hand curve, B. Left hand curve, C. Right reverse bend, D. Left reverse bend. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी राइट रिवर्स बेंड. 7. लेट्स सी इफ यू कैन गेट दिस वन. ए स्पीड लिमिट, बी लोड लिमिट, सी वर्थ लिमिट, डी लेंथ लिमिट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लोड लिमिट. 8. ट्राई एंड गेट दिस वन राइट. ए इंटरसेक्शन, बी टर्न लेफ्ट, सी टर्न राइट, डी वाई इंटरसेक्शन. करेक्ट आंसर इज वाई इंटरसेक्शन. 9. व्हाट डज दिस साइन सिग्निफाई? ए नो एंट्री फ्रॉम द लेफ्ट साइड, बी ड्राइव लेफ्ट साइड ओनली, सी नो ओवरटेकिंग, डी ड्राइव राइट साइड ओनली. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नो ओवरटेकिंग. व्हाट डज दिस रोड साइन इंडिकेट्स? क्वेश्चन नंबर 10. ए रिस्ट्रिक्शन एंड, बी नो पार्किंग, सी नो स्टॉपिंग, डी स्टॉप. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रिस्ट्रिक्शन एंड. क्वेश्चन नंबर 11. What does this sign means? A. Highway changes ahead to the right. B. Hiking trail ahead to the right. C. Hotel ahead to the right. D. Hospital ahead to the right. Correct answer is option D. Hospital ahead to the right. Question number 12. What does this sign means? A. An intersection. B. A. Crosswalk. C. A railroad crossing. D. A blasting zone. Correct answer is option C. A railroad crossing. 13. What does this sign means? A. You have entered a one-way road the wrong way. B. Stop immediately and carefully back up or turn around. C. Don't enter this road. And D. All of the above. Correct answer is anokha.
यानी समाज का विकास अपने आप को, व्यक्तियों से समाज नहीं बनता है, समाज से व्यक्ति बनते हैं और व्यक्ति को अपने आप ढालने का प्रयास है समाज को। ऑल ऑफ द एबव। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि समाज। क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट डज दिस साइन मींस? ए पेडेस्ट्रियन ओनली, बी इंटरसेक्शन अहेड, सी हाइकिंग ट्रेल अहेड, डी स्कूल क्रॉसिंग अहेड। ऐसा समाज जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी स्कूल क्रॉसिंग अहेड। क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट डज दिस साइन मींस? ए ऑल ट्रैफिक टर्न लेफ्ट, बी नो लेफ्ट टर्न, सी नो यू टर्न, डी ट्रक रूट टू द लेफ्ट। और ये शिक्षा शास्त्री भी रहे हैं और शिक्षा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नो लेफ्ट टर्न। एजुकेशन द सोशियोलॉजी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट डज दिस साइन मींस? ए फोर लेन ट्रैफिक अहेड, बी डिवाइडेड हाईवे अहेड, सी टू वे ट्रैफिक अहेड, डी इंटरसेक्शन अहेड। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी टू वे ट्रैफिक अहेड। क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट डज दिस साइन मींस? ए स्कूटर रूट, बी मोटरसाइकिल ओनली, सी बाइक रूट ओनली, डी नो बाइक अलाउ ऑन रूट। तो यहां पे महत्वपूर्ण आ जाता है कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बाइक रूट ओनली। क्वेश्चन नंबर 18। दिस साइन सो अबव रिप्रेजेंट ए स्लिपरी रोड, बी लूज ग्रेवल, सी वन वे ट्रैफिक, डी कार रूट। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए स्लिपरी रोड। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डज दिस साइन मींस? ए क्रॉस रोड, बी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, सी रेलवे क्रॉसिंग, डी नैरो ब्रिज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रेलवे क्रॉसिंग। क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट डज दिस साइन मींस? ए क्रॉस रोड, बी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, सी रेलवे क्रॉसिंग, डी नैरो ब्रिज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।